नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। दुनिया भर में लगातार कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए विपक्षी दल सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार वादे के मुताबिक लोगों को राहत दे। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि देश में पेट्रोल और डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी से भारत सरकार को लगातार घाटा होता है। ऐसे में सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तेल के दामों को तय करेगी। अगर दुनिया में तेल के दामों में गिरावट आएगी तो उसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, लेकिन देश में ऐसा नहीं होने से विपक्षी दलों ने सरकार पर जनता से धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। 5 मई 2020 को कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में $24.56 प्रति बैरल तक पहुंच गए। ऐसे में केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर और डीजल पर 13 रुपए लीटर तक बढ़ा दिया, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि उत्पाद शुल्क होता क्या है। उत्पाद शुल्क एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। इसे किसी उत्पाद के उत्पादन या निर्माण में लगाया जाता है, जिससे सरकार को राजस्व मिलता है, यानी कि कमाई होती है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल से कमाई करने के लिए एक और रास्ता निकाला है। भारत सरकार ने 14 मार्च 2020 को फाइनेंस बिल में संशोधन कर उत्पाद शुल्क को 3 से बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया है। इस बिल में संशोधन से पहले सरकार मैक्सिमम 3 रुपए तक ही उत्पाद शुल्क लगा सकती थी, लेकिन अब इसे 8 रुपए तक कर दिया। जब सरकार मैक्सिमम 3 रुपए उत्पाद शुल्क लगा रही थी, तब सरकार को अतिरिक्त 39,000 करोड़ का फायदा हो रहा था। लेकिन पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 13 रुपए उत्पाद शुल्क लगाने के बाद सरकार को अब अतिरिक्त 1,60,000 करोड़ का फायदा होगा। अगर पहले और अब की अतिरिक्त कमाई को मिला दें तो सरकार को इस वित्त वर्ष में 2,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। इस संशोधन से एक बात तो साफ हो गई कि सरकार ज्यादा भार लोगों पर डालने का प्लान बना लिया है, यानी कि जो वादा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत देने का था वो भारत सरकार देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक वजह तो साफ है कि भारत सरकार खुद के बजट को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में क्रूड ऑयल में गिरावट भारत सरकार के मिशन 5 ट्रिलियन के करीब ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है। मोदी सरकार के उत्पाद शुल्क बढ़ाने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 6 मार्च 2020 को दिल्ली में 69 रुपए 39 पैसे तक पहुंच गए, जिसमें 18 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर डीजल की लागत आती है। इस एक लीटर में उत्पाद शुल्क 31.83 रुपए सरकार लगाती है। डीलर का कमीशन 2 रुपए 52 पैसे है और राज्य सरकार वैट के रूप में 16 रुपए 26 पैसे वसूलती है, यानी कि 48 रुपए से ज्यादा टैक्स के रूप में लोगों को भरने पड़ते हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में 71.26 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हैं। पेट्रोल की लागत 18 रुपए 28 पैसे आती है, जिसमें उत्पाद शुल्क के तौर पर 32 रुपए 98 पैसे वसूले जाते हैं और डीलर का कमीशन 3 रुपए 56 पैसे है। वैट के तौर पर राज्य सरकार 16 रुपए 44 पैसे वसूलती है, यानी कि टैक्स के रूप में 49 रुपए से ज्यादा सरकारें लोगों से कमाती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे की कहानी को समझिए, इसके बाद इसके फायदे और नुकसान की बात करेंगे। दरअसल सऊदी अरब और रशिया के बीच में किसी वजह से विवाद हो गया, जिसके बाद सऊदी अरब ने रशिया को चेतावनी दी कि अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम तेल के दामों को क्रैश कर देंगे, जिससे ज्यादा नुकसान रशिया को उठाना पड़ेगा। और इस दौरान सऊदी अरब ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिरने लगे, जिससे ओपेक देशों के साथ ओपेक प्लस देश भी परेशान हो गए, क्योंकि तेल के दामों में लगातार गिरावट से दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम प्रति बैरल $20 तक पहुंच गए थे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा था। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दखल देना पड़ा, तब जाकर एक सहमति बनी और 9.7 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद से तेल के दामों में कुछ स्थिरता दिखाई दे रही है। लेकिन कोरोना संक्रमण काल आने से दुनिया के देशों में तेल की मांग कम हो गई, जिससे तेल के दाम कम बने हुए हैं। इसको समझने के लिए ग्राफिक्स को देखिए। 2010 से 2014 के बीच तेल के दाम करीब $100 प्रति बैरल से लेकर $120 प्रति बैरल के बीच दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद लगातार कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसी ग्राफ में देख सकते हैं कि लगभग फरवरी 2016 में
क्रूड ऑयल के दाम करीब $39 प्रति बैरल के आसपास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिला। 4 अक्टूबर 2018 को $74.33 प्रति बैरल तक तेल के दाम पहुंच गए, लेकिन उसके बाद क्रूड ऑयल वार शुरू हो गई, जिसका असर बाजार में साफ दिखाई दिया और फिर लगातार तेल के दामों में गिरावट देखने को मिली। अब एक और तस्वीर देखिए, 1945 से लेकर 2020 तक तेल के दाम किस तरह से बढ़े और किस तरह से घटे, लेकिन आज जो हालात हैं शायद वो कभी नहीं रहे। लेकिन इससे भारत को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। अगर क्रूड ऑयल के दाम $50 प्रति बैरल से भी कम रहते हैं तो भी भारत को फायदा होता रहेगा। अगर $50 प्रति बैरल को आधार मान लें तो भी भारत को $22 बिलियन की बचत हो सकती है। अगर $35 प्रति बैरल से भी कम दाम रहते हैं तो भारत को $30 बिलियन की बचत होगी, और अगर $45 प्रति बैरल तक दाम पहुंच जाएं तो भी भारत का इंपोर्ट बिल $74.71 बिलियन होगा, और अगर $40 प्रति बैरल तक पहुंच जाएं दाम तो इंपोर्ट बिल $66.41 बिलियन तक होगा। लेकिन भारत और ज्यादा फायदा कैसे ले सकता है? तो भारत को कोरोना काल खत्म होने के बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देनी चाहिए। जो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उन टैक्सों में बड़ी मात्रा में कटौती की जा सकती है, जिससे लोग बाहर निकलेंगे और तेल की खपत ज्यादा होगी तो राजस्व भी सरकार को ज्यादा आएगा। इसके साथ ही लोगों के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे ताकि बाजार में लोग पैसे खर्च कर सकें। लेकिन सवाल है कि क्या भारत जब तेल के दाम धरातल पर हैं इसका फायदा उठाने में कामयाब रहा? तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारत के पास पहले से ही 3 जगहों पर 5.33 MMT स्टोरेज के अंडरग्राउंड तेल भंडार हैं। इसमें विशाखापट्टनम में 1.33 MMT का तेल स्टोरेज है, मैंगलोर में 1.5 MMT की, और केरल के पदूर में अब तक की सबसे बड़ी 2.5 MMT का तेल स्टोरेज है। इन तीनों तेल भंडारों को भरने के बाद सरकार 13 दिन तक भारत में तेल की आपूर्ति कर सकती है, जिसको अब सरकार 90 दिन तक करने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि भारत सरकार के 12.4 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता के तेल भंडार बनाने का काम कर रही है, जिसमें ओडिशा के चंडीखोल में 40 लाख मीट्रिक टन तेल भंडार की कैपेसिटी होगी। इसके साथ ही कर्नाटक के पदोर में 25 लाख मीट्रिक टन क्षमता का दूसरा तेल भंडार बनाया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान का बीकानेर और गुजरात के राजकोट में भी तेल भंडार बनाने की योजना है। भारत आज भी अपनी जरूरत का 83% पेट्रोलियम खाड़ी देशों से आयात करता है। इस दौर में चीन और अमेरिका जैसे देशों ने ज्यादा फायदा उठाया। अमेरिका ने अपने आपातकालीन ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल का भंडार कर लिया, जबकि चीन ने भी भारी मात्रा में तेल का आयात कर अपने तेल भंडारों को भरने का काम किया है। लेकिन भारत के पास तेल भंडार नहीं होने से तेल में जारी गिरावट का फायदा भारत नहीं उठा पाया। अगर भारत के पास तेल भंडार होते तो दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल का भंडारण कर सकता था, जिससे छोटे छोटे देशों की निर्भरता भारत पर बढ़ती और इससे भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाने में बल मिलता। लेकिन ये अचानक बढ़ाई नहीं जा सकती है, ऐसे में भारत को आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।